हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। दोस्तों आज जो है मैं आपको 19वां दिन जो कि दिन मैजिक बुक इसका ही जो है प्रैक्टिस यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। होप करता हूँ दोस्तों कि आपने 18 तक यानी 18वें दिन तक आपने पूरे वीडियो देख चुके होंगे और ये जो प्रैक्टिस है यहाँ पर आपने कर चुके होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं है तो पहले दिन से लेके 18वें दिन तक प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये जो चैप्टर है यानी कि ये जो पार्ट है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आज है 19वां दिन दी मैजिक बुक और इसका नाम है दोस्तों जादुई कदम। अब ये जादुई कदम मैंने क्या है पूरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते होंगे। वो जब भी अपना आविष्कार यहाँ पर करते थे या करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले वो यूनिवर्स को पहले ही यहाँ पर जो है धन्यवाद बोल देते थे, पहले ही यहाँ पर जो है उसके लिए कृतज्ञ हो जाते थे, उसके लिए एहसानमंद हो जाते थे। वो सोचते थे कि उनका जो यहाँ पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है ये पूरा यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर जो है हो चुका है। ऐसा वो करके जो है अपने आगे के जो कदम है यहाँ पर बढ़ाते थे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों जीवित भी व मृत भी के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत यहाँ पर जो है करनी है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद यहाँ पर बोला है। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया जो कि है कृतज्ञता। यानी कि यहाँ पर जो है हर दिन यहाँ पर एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना, थैंकफुल होना और यहाँ पर थैंक यू बोलना, ये सब चीजें आज का जो है यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे के प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सब शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे दिन में 86,400 यहाँ पर सेकंड होते हैं, और अगर इन सेकंड में अगर आपने 1 सेकंड भी अगर आपने धन्यवाद नहीं बोला है तो आपकी जो दिन है वो यहाँ पर जो है बेकार यहाँ पर जो है समझा जाएगा। यहाँ पर देखिए ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया है? नहीं। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में आपको दो बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं पूरा ये जो है चैप्टर आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, मैं इसमें से जो मेन मेन है वो आपको बताऊंगा ताकि जो वीडियो है आप जो है अच्छे समझ सके और मैं क्या बताना चाहता हूँ ये सब आप यहाँ पर जान सके। अब देखिए जादुई कदम, अब हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो हमारा जो मकसद है, हमारे जो ये जो बुक में जो पढ़ के बता रहा हूँ आपको, इसका जो मकसद है वो है सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता यानी एहसानमंद होना। आपके पास जो भी चीजें हैं इन सब चीजों के लिए आप एहसानमंद रहोगे तो जो आपके जो काम है यहाँ पर धीरे धीरे सक्सेसफुल यहाँ पर जो है होते चले जाएंगे। ये कैसे होंगे, क्या होंगे, ये आपको पता लगेगा अगर आप इसको करोगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पूरे वीडियो देख लीजिए और इन वीडियो को जब आप फॉलो करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये जो मैंने इस किताब से पढ़ के जो बताया ये सब चीजें यहाँ पर जो है सही में लाइफ में यहाँ पर जो है होती है। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई यहाँ पर जो है करिए। जादुई कदम में क्या करना है, तो देखिए जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आपका दोबारा धन्यवाद कहता है। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम पर जादुई शब्द यहाँ पर जो है धन्यवाद 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 यहाँ पर जो है करते रहते हैं। अब ये जो चीजें है आइंस्टाइन जो है यहाँ पर करते थे, वो रोज अपना कम से कम यहाँ पर 90 सेकंड के लिए 90 कदम या फिर 100 कदम आपको जो है अपने जो है जब भी आप बढ़ाते हो, जब भी आप जमीन पर रखते हो आपको धन्यवाद बोलना है। मतलब इसका यह है कि धन्यवाद किस चीज को बोलेंगे, ऐसा नहीं है। धन्यवाद बोलने के बाद में हो सकता है कि आपके जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आप जो है लाइफ में करना चाहते हैं उनको भी समझ के आप धन्यवाद यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना किसी कारण के भी अगर यहाँ पर थैंक यू बोलते हैं तो आपका जो है यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखेगा, बहुत अच्छा यहाँ पर जो है परिवर्तन आपको जो है दिखाई यहाँ पर देगा। इस किताब का यही उद्देश्य है और ज्यादा इसमें और मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, बस थोड़ा सा भी पढ़ के बता रहा हूँ आपको मैं कि इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जादुई कदम यानी कि हम जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उसको पहले से ही हम लोग धन्यवाद यहाँ पर बोल देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है
उस काम को करने के लिए यहाँ पर बढ़ जाता है, वो काम सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जादुई कदमों के साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम यहाँ पर जो है उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर के कमरे से दूसरे कमरे में जाने तक का हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, या फिर कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी ट्रेन बस को पकड़ना हो, जो भी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है उनके लिए निकलते वक्त जादुई कदम यहाँ पर जो है उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम जाना, डेंटिस्ट के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना, हेयर ड्रेसर के पास जाना, मैच देखने के लिए जाना, या किसी टीम का मैच देखना, कॉरिडोर पर जाना, हवाई अड्डे पे जाना, और जहां पर भी आपको जाना है वहां पर आप अपने जो है जादुई कदम उठाकर उस जगह पे यहाँ पर जो है आप जा सकते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। और लेखिका क्या बोलती थी कि मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, बाहर अपनी कार से मेल बॉक्स तक, जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का जो गालीचा है, यानी कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू बोलते हुए उस पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट से उस पॉइंट तक यहाँ पर जो है लेखिका चली जाती है, ऐसा इस बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है। और बहुत ही अच्छा ये जो है एक टेक्निक है जिससे आप अपने कामों को यहाँ पर सक्सेसफुल करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बिना किसी कारण के किसी को धन्यवाद बोलते हैं या कोई भी चीज के लिए बोलते हैं, आपका जो माइंड है वो सही तरीके से काम करता है, आपसे जो भी गलतियां हो गई है उस सब गलतियों को माफी मिल जाती है, ब्लेसिंग्स उस चीज को मिल जाती है, और ब्लेसिंग मिलने से पॉजिटिव एनर्जी की वजह से वो जो काम है सब यहाँ पर जो है सक्सेसफुल यहाँ पर जो है हो जाते हैं। अब हम लोग जो है प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस में कुछ इस तरह से करेंगे कि कुछ नहीं, आप जैसे अगर सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मन में सिर्फ यही बात रखें कि जब भी आप चल रहे हो या फिर आप एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हो तो आपके मन में सिर्फ आना चाहिए कि धन्यवाद, थैंक यू, और कोई भी नेगेटिव चीज यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, और उस चीज को उस काम को आपको जो है ब्लेसिंग्स देनी है। आप जहां पर भी जा रहे हो वहां पर जाके उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, कृतज्ञता का नाम ले रहे हो, कृतज्ञता दर्शा रहे हो, एहसानमंद होने के लिए यहाँ पर आप दर्शा रहे हो, वो काम आपका जो है जरूर यहाँ पर अच्छा होगा। और साथ में आपके जो मन में या फिर आपके दिमाग में जो भी टेंशन होगा या जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जो ताकत चाहिए ये सब ताकत आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना नहीं था, मैं अभी बता रहा हूं कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फेवरेट टॉपिक पॉइंट नंबर 1, अपनी नियमते गिने, ठीक है, 10 नियमतों की सूची बना लो, उसको पढ़ो, उसको धन्यवाद बोलो, बार बार धन्यवाद बोलो, कृतज्ञ हो जाओ उस चीज के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नियमते जो हमने रोज लिखनी है, रोज नहीं लिखनी है, आपको एक ही बार लिखना है, एक तारीख को आप नियमते लिख लीजिए करिए और एक से लेकर 30 तक उसी नियमतों को याद करके आप जो है संतुष्टि पाइए और साथ में जो है थैंक यू यहाँ पर बोलिए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट बोलता है कि दिन में किसी भी समय में कृतज्ञता के 100 कदम आपको चलने हैं, यानी कि आप 100 कदम देख लीजिए, 100 कदम आपको चलना है, 100 बार आपको जो है कृतज्ञ होना है, थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है, एहसानमंद होना है, बहुत अच्छी फीलिंग है दोस्तों। उस तीसरा पॉइंट, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहे और कृतज्ञता यहाँ पर महसूस करे। जब भी आप यहाँ पर कदम बढ़ाते हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, थैंक यू धन्यवाद, एहसानमंद होइए, कृतज्ञता दर्शाइए। और सबसे लास्ट वाला जो कि मेरा फेवरेट है, जब भी आप रात को सोने के लिए जाएंगे तो अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में उठा ले। जादुई पत्थर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि पत्थर वगैरह कैसे यूज करना है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोटो भी भेजे कि क्या हम इसको पत्थर बना सकते हैं जादुई का, तो जादू का पत्थर आप कोई भी पत्थर को बना सकते हैं, बशर्ते वो स्पेशल होना चाहिए, यानी थोड़ा दिखने में यूनिक होना चाहिए ताकि आपको भी लगे कि नहीं ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर पत्थर है। तो उस पत्थर को हाथों में रखेंगे, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों को याद करेंगे और याद करने के बाद खुशियां मनाएंगे, स्माइल करेंगे और उस फीलिंग के साथ हम लोग यहाँ पर जो है सोने के लिए यहाँ पर जाएंगे। बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जादुई कदम का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पर कदम बढ़ाते हैं कहीं कोई काम करने के लिए या जो भी हमको करना है उस चीज के लिए या फिर बिना किसी कारण के, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अपने कदम बढ़ाते हुए धन्यवाद बोलिए और जरूर आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। तो आज के वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे।